गुरुवार शाम 5 बजे व्यस्ततम रामद्वार क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर के अंदर मुखर्जी नगर निवासी 40 वर्षीय रंजीत सोनी की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद ही एएसपी समीर यादव भी घटनास्थल पर आए, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम द्वारा तमाम तथ्य जुटाए गए। वहीं चली हुई गोली का सेल भी बरामद किया गया। एएसपी समीर यादव ने बताया कि शव का पीएम कराने जिला अस्पताल भेजा गया है। एएसपी समीर यादव ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर काम करते थे आरटीआई के अंतर्गत जानकारी लेने का रंजीत सोनी, इनकी यहाँ पर गोली मार करके हत्या की गई है। रामापेसी पुलिस ने अभी उनकी बॉडी को यहाँ पर से हॉस्पिटल भिजवा दिया है ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके। और इस मामले में हम अभी तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं, जो भी फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे और शीघ्र ही जो आरोपी है उसको हम पकड़ेंगे। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं जी, हम दिखवा रहे हैं आसपास जितने भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो सकते हैं या जो जिन लोगों ने देखा होगा घटना उससे भी हम जानकारी लेंगे। बाइक में कुछ दस्तावेज मिले हैं उससे कुछ अंदाजा लग रहा है? जी हाँ, बैग में कुछ दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में हम जानकारी अभी देते हैं। आरटीआई से संबंधित हो सकते हैं क्या वो कागज? जी हाँ, जैसे यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया कि वो आरटीआई से जुड़े हुए थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वो देखने में अभी और उसका एग्जामिन करने के बाद बता सकते। सर, ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में इस तरह से गोली मार दी गई तो आसपास के लोगों ने भी कोई देखा नहीं हमला? बिल्कुल, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सीसीटीवी कैमरा के अलावा जो यहाँ पर पहले से लोग मौजूद थे या जिनके यहाँ दुकानें हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से आरोपी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता का मर्डर होना एक बड़ी चुनौती है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का है विषय। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गोली लगी, अभी सिर पर लगी है, हेड पर गोली मारी गई। जेएसआर टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।